हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। ये है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और हरी भरी वादियों वाला देश नेपाल। यहीं पर एक गांव है पनौती। अरे अरे चौंकिए मत, ये गांव खुद पनौती नहीं है, बल्कि इस गांव को पनौती लगी हुई है। वो भी एक नहीं, दो दो, यानी दो ऐसे कड़के जो काम चोरी और हेरा फेरी की यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। पूरे गाँव का सिर दर्द बने ये दो कड़के ऐसी भयंकर पनौती है जो ना गालियां देने से दूर होती हैं और ना चप्पल मारने से। ए, कौन है? सनी, क्या है? ऐसे कुत्ते की तरह क्यों हाँफ रहे हो? ताजा ताजा आलू चुरा के लाया हूँ चैन सिंह की गोदाम से। वो तो पकड़ा जाता, लेकिन शुक्र है कि बच गया। कसम से 2 दिन से थला नमक रोटी खा खाक ऐसा लगता है गले से लेके पेट तक पूरा नमक का खेत हो गया। कम से कम आज आलू तो खाएंगे पेट भर के। मामा, ये तुम्हारी चोरी की आदत नहीं जाएगी। तुम्हारी इस हरकत से हमारे गांव में कोई इज्जत भी नहीं है। आलू भी कोई चुराता है क्या? छा! सपने में चिकन टंगड़ी तोड़ रहा था और आपने आलू ला के दिखा दिए। तू एक काम कर, तू अच्छे बच्चे की तरह आराम से सो जा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की आखिरी पीढ़ी के बुझे हुए चिराग, ये चुराए हुए आलू तो मैं खाऊंगा, तू मत खाना, कसम से। अरे अरे फेंकना मत, बहुत मेहनत की है, बहुत मुश्किल चला है। अरे फेंक नहीं रहा हूँ मामा, मुझे कच्चे आलू खाने की आदत नहीं है। अरे जल्दी कर भांजे, कच्चे आलू खाए नहीं जाते और भूख के मारे पेट में चूहे फुटबॉल खेल रहे हैं। हाँ, सच कहा मामा, भूख के मामले में तुम्हारा ये छोटा सा पेट है ना, वो फुटबॉल का मैदान है। तो तुझे कौन सा फुटबॉल खेलना है? तू तो गोल गोल आलू देख, आलू जलना जाए।
अरे छिलो मत, छिलके के साथ खा जाओ। अगर कल सुबह किसी ने छिलके देख लिया ना तो बेकार में हम पे शक करेंगे। हाँ तो शक तो वैसे ही करेंगे, ऐसे कमीनेपन की हरकत हमसे ज्यादा इज्जतदार आदमी कौन कर सकता है। वो तो है। लेकिन भुने हुए आलू से याद आया, मेरी बड़ी बहन आलू की सब्जी बहुत जायकेदार बनाती थी। अब उनके जाने के बाद तो हम लोग खाने को ही तरस गए। तेरी माँ मेरी बड़ी बहन जरूर थी, लेकिन उसने मुझे बेटे की तरह पाला। मामा तुमने भी तो अपनी सारी खुशियां कुर्बान करके मेरा ख्याल रखा, अपनी शादी के बारे में भी नहीं सोचा, मुझे पढ़ाने में लिखाने में मेरी परवरिश में सारी अपनी जायदाद बेच दी। चाहते तो तुम अपनी जिंदगी आराम से काट सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। मामा यू आर ग्रेट। चल पगले ऐसी बात नहीं करते, एक बार किस्मत साथ दे दे बस और लॉटरी निकल जाए। मामा फिर तो हमारी जिंदगी आशों से कटेगी। फूट रहा है, ऐसा लग रहा है कि थाने में किसी चोर को कूटते। हाँ मैं भी तो चोर को ही पकड़ने आई हूँ ना। चोर? कौन चोर? वही जिसने कल रात अंधेरे का फायदा उठाकर चोरी की है। तुझे अब चोर का पता चल गया? हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी आँखों से देखा है। आँखों से देखा? मैंने तो मुंह ढक रखा था, ऊपर से चादर ओढ़ रखी थी। तूने किन आँखों से देख लिया? मुंह ढका हुआ था, चादर ओढ़ी थी, पर क्यों और किस लिए? कल रात जब तुमने मुझे देखा। पर मैंने तुम्हें कहाँ देखा? अब इसका मतलब तुमने मुझे नहीं देखा? बिल्कुल भी नहीं। फिर वो चोरी वाली बात? अरे मामा अब तो बिल्कुल बुद्धू हो, मैं तो सनी की बात कर रही थी। कल रात वो मुझे परेशान करने के लिए मेरी चुन्नी चुरा के ले गया। अच्छा, ये तो बहुत ही गलत हरकत है। वैसे भी चोरी करना निहायत ही घटिया काम है, चाहे मजाक में ही क्यों ना हो। ठंडे पारो आई है चुम्मी लेने। नहीं मेरा मतलब चुन्नी लेने। ये ले तेरी चुन्नी। बस चुन्नी? मामा ने तो चुम्मी भी कहा था। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, अभी तक इसके मामा ने चुम्मी नहीं ली तो ये कैसे ले सकता है। और तो निकल यहाँ से, जरा जल्दी आना। अरे निकल अभी, चल हुर, चल। सुबह सुबह उठा दिया है। अरे चल निकल हुर। अरे ये कोई शरीफ लड़कियों से बात करने का तरीका है? अपना तरीका देखा है? ऐसा नंगा फुंगा होके कोई आता है क्या लड़कियों के सामने? अरे ढंग के कपड़े तो पहना करो मामा, क्या इज्जत रह जाएगी हमारे गाँव में? अरे इज्जत होगी तभी तो इज्जत रहेगी। मेरी तो है ना। चलो रहने दो अभी, मुझे जरूरी काम से जाना। हाँ मुझे मालूम है कौन से जरूरी काम से जाना है, बात तो ऐसे करे जैसे कलेक्टर हो। बेटा तुम्हारा ये जरूरी काम है ना, ये मेरे सामने सेट हुआ है। हो गया? हो गया। और कभी कभी सोचा है कि अपने कुमारे मामा के लिए कुमारी मामी का बंदोबस्त करूं? अरे मामा तुम्हारे लिए तुम्हें रेडीमेड मामी लेके आऊंगा। रेडीमेड? पारो मैं एकदम रेडी हूँ, तू रेडी है ना? हाँ। पर देख बुन्नू आज कोई गलती होनी नहीं चाहिए। ए पारो ऐसा कब तक चलेगा? हाँ हाँ सीधे सीधे कह क्यों नहीं देती? अरे कितनी बार तो कहा पर एकदम बुद्धू है, समझता ही नहीं है। अब देख तो जरा आया कि नहीं। अभी तक तो नहीं आया। तुझे क्या लगता है वो आएगा क्या? आएगा, जरूर आएगा, तू बस अपनी तैयारी पूरी रखना। अरे काम तो तेरा है, मुझे तो बस खींचना है। अरे वो आया आया आया। ला 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 ला। ये क्या मजाक है, छोड़ उसे। ये मजाक नहीं है और मैं इतनी आसानी से छोड़ूंगी भी नहीं, पहले वादा कर। अरे कैसा वादा? वही जो मामा ने कहा था। ओहो तू ऐसे नहीं मानेगी, चल उठ। कितनी बार बोल चुका हूँ तुझे ये बच्चों जैसी हरकतें मत किया कर, छोड़ दे पीछा मेरा। पारो ने दिल दिया है, आसानी से छोड़ेगी नहीं। ए पगले नाराज हो गई क्या? इधर देख, इधर देख ना, तुझे पता है ना
कि तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। चल इधर, अपनी आंखें बंद कर। हाँ? अपनी आंखें बंद करना। छोड़ूंगी नहीं उसे। नहीं नहीं चल चल, वहाँ पे कुछ क्या हुआ? जल्दी बोल तो सही। Somebody please help! कोई मुसीबत में हो ऐसे ही देखता रहता। पर तुझे कुछ हो जाता तो? मुझे कुछ नहीं होगा। जिसे गया था बचाने उल्टा वही तुझे बचाकर यहाँ ले आई। मेरा मतलब आप ठीक तो है ना? थैंक गॉड। चल चल, ये थैंक यू बहुत लंबा हो रहा है। वैसे आप लोग कहाँ से हैं? इंडिया से। पहली बार आए हैं नेपाल? जी, नेपाल और नेपाली संस्कृति के बारे में जानने की बहुत बड़ी इच्छा है। तो हमारे गांव आ जाइए ना, आपको नेपाल और नेपाल की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जिस गाँव में इतने जबरदस्त स्विमर हो वहाँ तो आना ही पड़ेगा। अब चल ना, बड़ा आया था लड़की को बचाने। अरे मामा, कल तो रंग जमा दिया आपने। करोड़पति तीनिक। ये मेरे। ओहो, इधर आओ। चल चुका हूँ सर, आता हूँ। नमस्ते साहब। नमस्ते। दौलतराम को जानते हो? दौलतराम क्या किया है? उसने बहुत बड़ा सरकारी गबन किया है। दौलतराम ने? हाँ। बहुत अच्छा आदमी है वो तो। तुम जानते हो उसे? हाँ, मैं रोज मिलता हूँ साहब। कहाँ रहता है? ये सामने वाला घर है, और अभी घर पर ही है। मिलो। छिटो छिटो। नमस्कार दौलतराम। मुखिया भाई, वो सरकारी योजना का क्या हुआ? पैसा कब आएगा? काम कब शुरू करेंगे? अरे वही तो मैं भी हैरान हूँ जी। वो एजेंट बोल रहा था 1 महीने के अंदर पैसा आएगा। अच्छा, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? तुम्हारी खातिरदारी का इंतजाम किया है। मतलब? मतलब ये कि सरकारी पैसा कहाँ है? अरे पैसा आया ही नहीं तो जाएगा कहाँ? अच्छा, ज्यादा होशियार बनते हो। चलो लेकर चलो इनको। अरे चलो चलो, चलिए, हम क्या डरते हैं क्या? मुखिया तो गया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब हुआ कैसे? वो सब छोड़िए मुखिया जी, यहाँ से निकलने की बात करिए ना। जल्दी कीजिए, वरना ये लोग के डरना ट्रेनिंग शुरू हो गई ना, सुबह तक बैठने लायक नहीं रहेंगे हम लोग। मुखिया बा, मुझे तो लगता है ये सब मामा का ही काम है। अरे तुम लोग अपना मुंह बंद रखो, मुझे कुछ सोचने दो। सोचिए सोचिए।
हवालदार साहब, एक फोन कॉल कर सकता हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसको कॉल करोगे? नेता को? नेता को कॉल करोगे? इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे पहचानते नहीं हैं। मैं इस गांव का मुखिया हूँ, सीधे काले को ट्रांसफर करवा दूंगा। तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि दो दिन पहले ही मैं कालीकोट से ट्रांसफर होके आया हूँ। तुम तो ये बताओ कि माल कहाँ है। साहब, माल यहाँ है। माल यहाँ है मतलब? ये है मुजरिम। तुम्हें तो कहीं देखा है? जी जी जी, मैं तो रोज सवेरे निकलता हूँ, आपको नमस्ते करके जाता हूँ। हैं? इंस्पेक्टर साहब, ये सारा गोलमाल इन्होंने ही किया है। ये काले और इस दौलत राम ने ही किया है साहब। ये दौलत राम? जी। वेरी इंटरेस्टिंग एंड कंफ्यूजिंग ऑल्सो। बाहर निकालो इन तीनों को और तुम भी इधर आओ। मुखिया जी नमस्ते। ये बताओ कि ये साइन किसके हैं? ये तो मेरा ही साइन है। और दौलतराम कौन है? मैं हूँ, ये साइन मेरा नहीं है। तुम दौलतराम हो लेकिन ये साइन तुम्हारी नहीं है। और ये साइन इनका है पर ये दौलतराम नहीं है। अरे तुम लोग ना मुझे पागल करके छोड़ोगे, लगता है मुझे डंडा उठाना ही पड़ेगा। सर, सच बात ये है सर, ये साइन मैंने किया है, क्योंकि इसके कहने पर। क्या क्या क्या, किसके कहने पर? मैं कहूंगा कुएं में कूद पड़ोगे। अब बोल, लाग लाग देना। अबे चुप चुपचाप खड़ा रहे, बंद कर दूंगा नहीं तो। अब तो कंफ्यूजन दूर हो गया ना इंस्पेक्टर साहब। कर दो इनको अंदर। चलो भाई लोग। जी चलिए, चलो चलिए। तपाले मलाई देख लो भैया मुखिया जी। चल उल्लू का पट्टा। ये मुखिया बोलाए छ इधर। तुमको बोला जाने को? बोला तुमको जाने को? नहीं, हम मुखिया जी को समझाना चाह रहे थे, वो हमें गलत समझ रहे हैं। मामा चुप चुप खड़े रहो नहीं तो अंदर जाओगे। जी जी जी, क्षमा करें। बंद कर दूंगा तीनों को अंदर अभी। सर सर, हमें माफ कर दो ना। क्षमा? माफ भी कर दूंगा और साफ भी कर दूंगा। पहले ये बताओ कि माल कहाँ है। माल की बिल्कुल चिंता ना करें, जहां बोले वहीं व्यवस्था हो जाएगी। तो फिर एक काम करो, माल तोताराम फंड में जमा करा दो। ये तोताराम फंड क्या है? तोताराम इसी का नाम है। अच्छा तो सर हो गया काम फिर। डन। लेकिन गारंटी क्या है? इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास एक काले है, आप इसको अंदर डालिए, हम आपके लिए बाहर माल की व्यवस्था करते हैं। मामा आप क्या कर रहे हैं? मामा, आपस में मत लड़ो। आपस में मत लड़ो। बताओ कब दोगे? कब दोगे? वही कब पेमेंट करना है? अपनी पुरानी वाली। 30 फरवरी। 30 फरवरी? 30 फरवरी। पक्का? पक्का। और अगर 30 फरवरी से एक भी दिन इधर उधर हुआ ना, तो तुम जानते नहीं हो मैं इंस्पेक्टर जरा अलग किस्म का हूँ। मैं समझता हूँ, इंस्पेक्टर साहब ही ऐसे हैं जो हमें एक दूसरे को खरीद सकते हैं। 30 फरवरी मतलब 30 फरवरी, उसके बाद एक दिन भी ऊपर नीचे हो तो आपकी गोली, मेरा सर, हम ही जान छो। अरे चलो मामा, आलू खाना। अरे चलो। अब सारा माल इधर। So beautiful. कितना अच्छा है ना? मैं तुम लोगों की पिक्स लेती हूँ। ओके, रेडी? यस। आलो ना, इधर आ जा, जा, जा। चलो चल चल, जल्दी निकल, कहीं पुलिस वाले फिर पीछे ना जाएं। इधर ऐसे करते हैं, आज गांव ना जाकर जंगल चलते हैं। क्यों? अरे मुखिया जी और गांव वाले गुस्से में हैं। तो हम क्या करें? अरे समझा करो, बच्चों की तरह जिद मत करो। अच्छा, बड़ा समझदार हो गया। रुको, आई थिंक वी हैव लॉस्ट द वे। आई थिंक सो। अच्छा, वो भाई साहब से पूछते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। भाई साहब, वो बाहर जाने का रास्ता किधर है?
यही पास में जाइए। धन्यवाद। चलो चलो कम ऑन आ जाओ। तेरा देखने वाला था, थोड़ा पुलिस वाला आउट डांट देता, मुखिया भाई मूत देता। मामा वाकई कमीनेपन में आपका कोई जवाब नहीं है। अब तुझे सिखा रहा हूँ। संगे रेस रेस खेली रखे छो हमी छोनी आई जा आई जा आई जा। ए, हमको कुत्ता समझाए क्या? यही ठोक सिर्फ छे, उसके लिए मेरी क्या जरूरत? तुम लोगों के लिए तो मेरा सनी ही काफी है। अरे मामा यहाँ बच्चों के साथ गप्पे लड़ा के बैठे हो। अरे गप्पे ना लड़ाऊ तो क्या करूँ, मुझे मालूम तो अकेला निपटा लेगा। अरे कब से ढूंढ रहा हूँ मैं आपको। अरे मैं कहीं गायब हो गया था क्या? छोड़ो लड़कियाँ कहाँ है? लड़कियाँ लड़कियाँ कहाँ है? मेरी जेब में तो नहीं है, मैं कोई लड़कियों को ठेकेदार हूँ। छोड़ो मामा आप भी क्या रुक ए पकनोस ए परखा कहाँ जाना लागे को। ये लड़कियों के चक्कर में रहता है, मैं खुद चक्कर में हूँ। इंडिया से प्रियंका जी आई थी, वो कहाँ है? वो तो अभी भी चली गई।
यानी तुम यहाँ कैसे? ये पर्स शायद आप लोगों का होगा। ओह, अरे ये तो मेरा पर्स है, तुम्हें कैसे मिला? जंगल में शायद भागते हुए गिर गया होगा। गॉश, चेक करो कुछ, सब कुछ ठीक है कि नहीं? अरे नहीं, इट्स ओके। आई डोंट नो मैं तुम्हें कैसे थैंक यू बोलूं। थैंक यू बोलने का तो आसान तरीका है, बस आप मुस्कुरा दीजिए, यूं ही इसी तरह। मैं चाहता हूं कि आप नेपाल से मुस्कुराते हुए जाएं, हसीन यादों के साथ। मुखिया जी, अब तो इन मामा भांजे का कुछ ना कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। अरे भाइयों, ठहरो ठहरो ठहरो, इसीलिए तो हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। इनकी ऊटपटांग हरकतों से मैं खुद भी परेशान हूँ। चाचा जी। अरे रघु, कब आया तू? बस चाचा वन, चाचा टू, चाचा थ्री, चाचा फोर, चाचा अभी तो आया। बहुत अच्छा किया जो तू आ गया, बहुत दिनों से तुझे देखा भी नहीं था ना। कोई बात नहीं चाचा जी, अब मैं आ गया हूँ, मुझे जी भर के देख लो। वैसे भी फिल्म लाइन में टाइम कहाँ मिलता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। 2 दिन का मौका मिला तो मुझे लगा कि आपसे मिल लेना चाहिए। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वैसे चाचा जी एक बात बताइए, यहाँ पे इतनी उदासी क्यों छाई हुई है? सारे लोगों के चेहरे क्यों लटके हुए हैं? क्या किसी की भैंस चोरी हो गई है? किसी की भैंस नहीं, हम सबका सुख चैन चोरी हो गया। बाबूजी, ये कौन है? देखो मेरे बेटे की हालत क्या कर दी है, जादू कर दिया है इसके ऊपर। चाचा जी जरा खुल के बताइए, किसने इसके ऊपर जादू किया है और किसने आपका सुख चैन लूटा है? अरे वही राहू के तो, जिन्होंने हमारे देवता समान मुखिया बा को जेल भेज दिया। चाचा जी एक काम करिए, किसी पंडित को बुला करके राहू केतु की शांति करवा लो। रघु बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो, राहू केतु से इनका मतलब वो मामा भांजा है, यानी सनी और दौलत राम। ये सारा किया धरा उन्हीं का है। पर बाबूजी, वो दोनों तो बहुत अच्छे हैं, पूरे गांव में वही तो हैं जो मुझे प्यार करते हैं। देखा हाँ? अपने भाई को नहीं पहचानता है और उन लफंगों को जानता है। भाई यहाँ से, गधे की औलाद। वेरी गुड प्लॉट और वेरी गुड आइडिया एंड वेरी गुड स्टोरी। बाय द वे, आप लोग चाहते क्या है? भैया कुछ भी करके इनसे हमारा पीछा छुड़वा दो। हाँ बेटा रघु, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। तो समझो काम हो गया। वो कैसे? बस अब देखते जाओ, वो स्क्रिप्ट भी हमारी होगी, वो डायलॉग भी हमारे होंगे और वो वक्त भी हमारा होगा। बम बम भोले, बम बम भोले, गरी के गोले, चल उड़ जा और हाथ मुंह धो ले। सनी, क्या है? अरे क्या हुआ? जय हो महाराज की। बच्चा, सिर्फ हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, झुक के पैर छुओगे तो कल्याण होगा। तुम लोग लॉटरी बहुत खरीदते हो लेकिन लगती नहीं है। महाराज निकलती तो है छोटी छोटी, बस एक बड़ी से निकल जाए तो जिंदगी बदल जाए। मूर्ख बच्चा, लॉटरी से ऊपर उठ। तुम दोनों का चेहरा देख के लगता है कि तुम्हारे चेहरे पे राजयोग है। क्या बात कर रहे हो महाराज, ऐसी बड़ी बातें मत करो। मेरे मामा को हार्ट अटैक हो गया ना, तो मैं भरी जवानी में अनाथ हो जाऊंगा। महाराज आप इसको अनाथ होने से बचा लीजिए और जरा खुलकर बताइए बात क्या है। ठीक है ठीक है, एक मिनट एक मिनट।
हाँ ठीक, हाँ हाँ बच्चा तुम दोनों कभी समंदर के पास गए हो? नहीं। बस कृपा वहीं पे रुकी हुई है, तुम दोनों समंदर के पास जाओगे तो कृपा वहां से आनी शुरू हो जाएगी। महाराज ये कृपा कृपा की कोट भाषा छोड़िए और जरा खुलकर बताइए कि बात क्या है। बाबा रहा है खुल और कान खोल के सुन, 98208 बाबा करता नहीं है वे। तुम दोनों करोड़पति बनने वाले हो, लेकिन यहाँ से बहुत दूर, इतना दूर नहीं पासा, मतलब कहने का ये यहाँ से बहुत दूर भारतवर्ष के पश्चिमी तट पे मुंबई नामक माया नगरी में एक माया देवी करोड़ों की माया लेकर के तुम दोनों की प्रतीक्षा कर रही है। अगर तुम दोनों वक्त पे वहाँ पर नहीं पहुँचे तो माया देवी सारी माया किसी ओरिजिनल भिखारी को दे देगी। ना 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 ना, लो भला, हमसे ज्यादा ओरिजिनल भिखारी कौन हो सकता है? पर हम उनको पहचानेंगे कैसे? बच्चा तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, माया देवी तुम दोनों को देख के अपने आप पहचान लेगी। अगर ना मिली तो तुम दोनों को एक उल्लू वहां तक पहुंचा देगा। महाराज कुछ खुले पैसे हैं आपके पास? क्यों, भाड़े के लिए तो चाहिए ना माया नगरी में जाने के लिए। अरे शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को, बाबा को दक्षिणा देने के जगह बाबा से रुपया मांग रहे हो। बाबा तुम्हें श्राप देता है। नहीं नहीं बाबा, हम शराब नहीं पीते, हमें तो आप हरे हरे नोट दे दो बस। देता हूँ, देता हूँ, वचन देता हूँ कि मैं गांव वालों से कह करके थोड़े बहुत नोट की व्यवस्था करवा दूँ। नहीं नहीं बाबा, तब की तब देखी जाएगी बाबा, तब तक हम खाली अनाथों को खाली हाथ मत छोड़िए, कुछ ना कुछ तो दे दीजिए बाबा। पता नहीं कहां से इन कंगलों के चक्कर में फंस गया हूं मैं। बस अब तुम दोनों लोग मुंबई जाने की तैयारी करो। बम बम बोले महाराज, अपना दक्षिणा और ये पैसा हिसाब में रख लेना, जब हमें माल मिल जाएगा सब दे देंगे। हाँ बाबा करवा ही रहे हो तो गाँव वालों थोड़ा ज्यादा करवा देना, क्यों खाएंगे क्या हवा, वैसे भी कपड़े पड़े खरीदने हैं। काका बड़ी मुश्किल से शुभ दिन आया है। हमारे गांव से आज पनौती जा रही है, उसने किराए के लिए मुझसे चंदा मांगा था, मैंने 50 रुपया ज्यादा दे दिया मुखिया बाबा। बहुत अच्छा किया, वो आ गए। अरे ये अब हर बार क्यों, हम कोई युद्ध थोड़ी जा रहे हैं। युद्ध के मोर्चे में ना सही, पर हमारे दिल से तो बहुत दूर जा रहे हो ना। ऐसा मत कहो, वरना हमसे नहीं जाया जाएगा। आप कहते रुक जाएं? अरे नहीं, रुकना नहीं, जल्दी करो भाई जल्दी, तुम लोगों को बहुत दूर जाना है। अब क्या बताएं मुखिया जी, हमारा जाने का मन नहीं कर रहा है। अरे मन तो हमारा भी नहीं कर रहा तुम्हें जाने देने का, तो क्या करें, रुक जाएं? अरे नहीं नहीं, तुम्हारे भविष्य का सवाल है, जाओ भाई जाओ जाओ जाओ। एक बात समझ लो आप, आप लोगों का प्यार हमें प्रदेश में चैन से जीने नहीं देगा मुखिया जी। जाओ 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 भाई जाओ 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 भाई जाओ 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 बाय बाय जाओ जाओ बाय 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 बाय। पता नहीं, अरे भाई अब क्या हुआ, आपका आशीर्वाद देने भूल गया। अरे आशीर्वाद है आशीर्वाद है, तुम लोग जाओ 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 जाओ, जाओ भाई का दृश्य बहुत लंबा हो रहा है भाई, जाओ बाय 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 जाओ जाओ बाय 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 जाओ जाओ। अरे पारो, गांव वालों के साथ नहीं आए तुम लोग हमें छोड़ने? ये ले रास्ते के लिए खाना। अरे पगली तू रो रही है, तू नहीं समझेगा, ये ले तुझे मेरी याद आएगी। भैया फिर कब आओगे? बहुत जल्दी। अरे जल्दी करो, निकल जाएगी मुंबई की गाड़ी, चलो चलो। Thank you.
दरवाजा खोलो। दीदी लगता है साहब आ गए। तू तो गोदी की बच्ची बनी रहती है, तू बड़ी कब होगी बेटा? नहीं होंगी, बच्ची रहूंगी। लेकिन मैं इतनी खुश क्यों हूँ? आपसे तो मुझे गुस्सा होना चाहिए। अच्छा मेरी बेटी ये बताओ कि आप मेरे साथ गुस्से क्यों हैं? आप तो इस बार मेरे आने से पहले रॉकेट की तरह बाहर निकल गए। दिस इज नॉट फेयर डैड। बेटी वो क्या है, मुझे जरूरी काम से जाना पड़ा, वरना कभी ऐसा हुआ है कि आप एयरपोर्ट पर आए और तुम्हारा डैडी तुम्हारा सामान उठाने के लिए वहां ना पहुंचे? डैड आप क्या मानते हैं कि मैं आपको अपना कुली समझती हूँ? नहीं नहीं, तो आप ठीक समझते हैं है? क्योंकि आपको जिंदगी भर मेरा बोझ जो उठाना है। बेटी सारी जिंदगी तेरा बोझ उठाने को रेडी हूँ। आओ जी सुखराम, सब ठीक है? क्या ठीक है साहब, बड़ी मुश्किल से एक मिसरा बनाया है पर शेर पूरा नहीं हो रहा। शेर पूरा नहीं हुआ, मिसरा तो बन गया ना? बन गया। सुनाइए। हुजूर पेशे खिदमत है। वो आती थी जाती थी हंसती थी मुस्कुराती थी। वाह वाह क्या बात। वो आती थी जाती थी हंसती थी मुस्कुराती थी। वाह। वो आती थी जाती थी हंसती थी मुस्कुराती थी। अरे चुप कर पगले, वो तुझे पागल बनाती थी। सुखराम जी बुरा नहीं मानना, बेटी तूने उसके शेर को गीदड़ बना दिया। खैर छोड़ो। अच्छा ये बताओ तुम्हारा नेपाल का टूर कैसा रहा? सुपर फैंटास्टिक, और सबसे अच्छे वहां के लोग। मेरा तो फिर से जाने का मन कर रहा है। बेटी बस तू अब कहीं नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढ लिया है, इंग्लैंड में रहता है, फैमिली का अकेला लड़का है। डैड आपको तो पता है ना मेरी पसंद के बारे में? हाँ हाँ पसंद पता है बेटा, तुम्हें ऐसा लड़का चाहिए जिसको पैसे से प्यार ना हो, जिसके दिल में लोगों के लिए मोहब्बत हो, जो पत्थर के शहर में रहते हुए भी उसका दिल पत्थर का ना हो। ठीक है यही चाहिए ना? लेकिन बेटा ये सब फिल्मी बातें हैं। डैड तो मैं ओरिजिनल डायलॉग बोलूं? हाँ बोलो। वो लड़का नेपाल से ही हो। ओके डैड बाय। मेरा बच्चा। जी सर। वो कुरार बस्ती जो है ना, उसकी डेवलपमेंट का क्या हुआ? जब तक बस्ती खाली नहीं होगी हम बिल्डिंग्स नहीं बना पाएंगे। यस सर। और मैंने इन्वेस्टर से कितना पैसा ले लिया है? जी सर, और वो पैसा पास के चल रहे प्रोजेक्ट में लग भी चुका है। बैंक से भी बहुत भारी लोन ले लिया। जब तक बस्ती खाली नहीं होगी कोई काम नहीं होगा। मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। सर एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? कालीचरण। अंगूर मेरे होठों के सामने लाओ। लोवी अंगूर। लोवी अंगूर। थैंक यू सर। मुझे लामा फोन की घंटी बज रही है। हेलो हाँ ओके हाँ सर वो दोनों आ गए। वो दोनों आ गए। हाँ गोली दो। किधर से दो? मिस्टर लांबा आदमी दो गोली दो हिसाब बराबर। सर yes? सर आप जीनियस हो सर। आई एम जीनियस।
फॉलो मी। ओके सर। आओ देव आओ। सर ये मालूम है, केसी को इनका सारा केस मालूम है। योर फाइल इज अंडर प्रोसेस। मसलांबा इनको केसी के काम के कोटेशन पेश करो। ओके सर। इसमें हमारे डॉन कंपनी की प्रोफेशनल फीस है, ठीक है, और अलग डॉन कंपनी का कोटेशन भी है। क्या है ना, मतलब ऑडिट के वक्त ऑडिटर आपको परेशान ना करे। राइट। तो आपको अभी जल्दी साइन करना है फॉर अप्रूवल। सर सर तुम साइन क्यों नहीं कर रहे? ओ, समझ गया। तुम गांव में शॉल ओढ़कर घूमने वाले वो ठाकुर हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर साइन क्यों नहीं कर रहे? अरे थोड़ा सोचने का मौका तो दो। नहीं, सोचने का टाइम नहीं है। जितना सोचोगे उतना ही तुम्हारा काम लेट होगा और ओवर बजट भी होगा। ए, कर दीजिए सर, फिलहाल कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रिलैक्स रिलैक्स, साइन करो साइन। गुड, नाउ योर वर्क विल बी डन। बराबर बोला ना? बराबर है सर। जा सकते हैं आप। पता नहीं किस जोकर से बुलाने ले आया। सर, सर आप तो सैलरी पक्की। कितनी गोली है इसके अंदर? सर दो गोली। दो आदमी तीन। अब एक को सैलरी देनी ही पड़ेगी। दर्शन नहीं हुए अभी तक। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मामा बहुत जोर की भूख लगी। अरे भूख तो हमें भी बड़ी जोर की लगी है। हेलो, थैंक यू। हाय। अब नेपाल होता तो आलू बालू व्यवस्था कर लेता। प्रदेश में क्या करें। अच्छा अच्छा, कहाँ से आए हो मेरे परदेश की कबूतरों? नेपाल से। ओ, क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम यहाँ कैसे टपके? टपके? अरे टपके मतलब कैसे आए? हाँ हम तो असल में लक्ष्मी जी, हमारे गांव की एक लड़की है लक्ष्मी, बस उसको ढूंढने आए हैं। अच्छा, तो क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तुम मदद करोगे? हाँ। तुम तो खुद भिखारी हो। खड़ा जा। भिखारी किसको बोलता हूँ मैं? किसको बोला भिखारी? बैठ। क्या है, मुंबई में कोई भिखारी नहीं है, यहाँ सब एंटरप्रेनर है, अलग अलग अपना अपना बिजनेस है। ये भी मेरा बिजनेस ही है। बिजनेस? ये बिजनेस है? यस। अच्छा भिखारी भाई वो मैं? नहीं भिखारी भाई नहीं, भिखारी सेठ बोलो, यहाँ सब लोग मुझे भिखारी सेठ बोलते है। जी भिखारी सेठ। बहुत जोर की भूख लगी है।
यहाँ पे कुछ खाने को मिलेगा क्या? मिलेगा, खाने को मिलेगा। कितना बजट है तुम्हारे पास? अरे हमारे पास बहुत ही कम पैसे हैं। अरे सच है? आजा आजा सर, दे बिल लाए। जी ये लीजिए। ये लो, छोटा नहीं है सर। Keep the change। थैंक यू सर। नहीं अभी नहीं, रूल मतलब रूल, मैं अभी दिख नहीं ले सकता, मेरा लंच सब हो चुका है। थैंक यू। कमाल है यार। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग। जाइए। क्यों खाना खाओगे? खाओगे क्या खाना? क्या ये ससुर होटल वाले हैं ना, बहुत खाना भेज देते हैं, फिर बच जाता है वो कुत्तों को देना पड़ता है। आज वो तुम खा लो, क्या फर्क पड़ता है। सॉरी यार, डोंट माइंड। दोस्त हो, तीनों मिलके खाएंगे। खा लो, खा लो। नहीं खा, आ जा हीरो, आ जा। खा लेते हैं, वो तो मजाक कर रहे थे। या ये लो खाओ। वैसे काफी दिनों के बाद भरपेट खाना खाया, मजा आ गया। हाँ मुझे तो बिल्कुल गांव की याद आ गई। देखो आप लोगों ने मेरा खाना खाया, तो सच बताओ यार तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी लड़की ढूंढने वाली कहानी में कुछ दम नहीं है। अब आपका खाना खा लिया है और नमक खाया है तो सब सच ही सच बोलना पड़ेगा। क्या है, हमें एक साधु मिला था नेपाल में, उसने कहा कि मुंबई जाओ, मुंबई में लक्ष्मी तुम्हारा तिजोरी लेके इंतजार कर रही है, इसलिए हम उसको ढूंढने आए। अरे मूर्खो, तुम साधु का मतलब नहीं समझे। ये माया नगरी है, माया नगरी। जिस दिन किस्मत चमक जाती है ना, तो एक रात में आदमी चंडा से उठकर सिंहासन पे बैठ जाता है। सच? हाँ फिर? अरे यार सिर्फ दिमाग चलाने की जरूरत है। और मुझे देखो, मैं MBA हूँ, अगर नौकरी करता तो क्या मिलता? यार दिन में मैं 5,000 रुपए कमा लेता हूँ। दिन में 5,000? अरे इतनी तो हमारे गाँव का मुखिया भी नहीं कमाता आलू से। वो छोड़ो, तुम रहते कहाँ हो? मुंबई में? अभी तक कुछ इंतजाम नहीं हुआ, खाली टहल रहे इधर से उधर। ओके, देखो तुम अच्छे आदमी लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इसलिए मैं आज दुकान भी बंद कराओ जल्दी। ये देखो बंद, दुकान बंद। अब मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलता हूँ, ऐसा ऐसा इंतजाम करता हूँ जहाँ तुम्हारे किस्मत के कबूतर फड़फड़ाने लगेंगे। आ जाओ आ जाओ, संभाल के आ जाओ। ये रहा हमारा इलाका। अरे नमस्कार। नमस्कार भिखारी। आइए आइए। अरे मैंने कहा था ना, यहाँ आते ही तुम्हारे किस्मत के कबूतर फड़फड़ाने लगेंगे। कैसी जगह पे आ गए, यहाँ पर रहेंगे हम लोग क्या? नहीं, ये बोल रहा है कि हम लोग तो मुंबई में रहने आए थे। अरे यही तो है बड़े बड़े महापुरुषों की शुरुआत, उनकी जिंदगी यही से तो शुरू हुई है। अच्छा, फिर ये देखो, ये है शहंशाह स्मगलर येड़ान्ना। प्रणाम करो, प्रणाम करो। प्रणाम, प्रणाम। और ये कातिलों के कातिल चिकना चक्कू। और ये है अपहरण उद्योग के बेताज बादशाह शरीफ भाई शराफत वाले। और ये जेब कतरों के स्मॉश के इंडस्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर तेरा मेरा सबका। मतलब ये कैसा नाम है? यकीन नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। फोन करके पूछ लो। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं मैं नहीं चाहता कि मुंबई माइनस पहले मेरा भांजा अनाथ हो जाए। चलो मामा, ठीक है ना, फुटपाथ में रहने से तो अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा है। हाँ। देखो तुम्हारा एक काम तो मैंने करवा दिया, अब दूसरा काम करवाता हूँ। दूसरा काम? असली लक्ष्मी के दर्शन नहीं करने के। Excuse me. याद है साधु मिला था तो उसने कहा था लक्ष्मी जी से मिलवाने के लिए उल्लू मिलेगा। मुझे लगता है ये वो उल्लू। ओके ओके। चले? कहाँ चले? लक्ष्मी जी से मिल ले। नहीं अभी हम नहीं जा सकते क्योंकि मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट आने वाला है। अरे यार वो छोड़ो ना। देखो भैया, तुम्हारे पास तो बहुत नोट है, वो नोट तो मैं यहाँ की करेंसी में बदल दूंगा। अरे लक्ष्मी लक्ष्मी। अरे ये लड़कियाँ जो डांस कर रही है ना, ये इनका पैसा है, बार बार उठाने जाते हैं हमारे। समझाओ ना इनको।
माया नगरी में ही धनलक्ष्मी आ गई। अभी देखना मामा, यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं होगी। हाँ, पैसे से पूरा भर जाएगा। बहुत अच्छे मामा, साइज थोड़ी बड़ी है। थैंक यू। अरे मामा, अरे ये क्या, छोड़ दे इसको, ये लो मामा, भागे। चीयर्स चीयर्स मामा। एक और, एक और, एक और। मजा आया ना? अरे मामा, मामा, अरे मामा, सनी, अब देख तेरी पारो दरवाजा कूट कूट के बर्तन फाड़े सब पड़ रही है। नेपाल में नहीं, निकाल, निकाल मेरे घर से, जा कुछ बंद कर जा रही है। अम्मा, 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 फुकट में रहना चाहिए क्या तुझे? लाज शर्म कुछ नहीं? मैं फुटपाथ पे नहीं रह सकता, मैं कैसे फुटपाथ पे रह सकता है? कैसे रहेगा, बाकी लोग रहते ना वैसे रहने का, चल उठ, नहीं तो देख मार मार के पकड़ा बना दूंगी मैं। अम्मा मेरे को 2 महीने का टाइम दो। अम्मा प्लीज, नहीं अम्मा, कुछ नहीं दूंगी मैं। ये माला मास्टर, ये मार मार के पकोड़ा कैसे बनाते हैं? हम पूछ कर बताते हैं। पूछ, चल निकाल। अच्छा भाई, ये मार मार कर पकोड़ा कैसे बनाते हैं? तेरा थोबड़ा फोड़ के मैं दिखाती हूँ। मैं नहीं, तू जाने इधर से। अम्मा अम्मा अम्मा, मेरी बात सुन। अम्मा अम्मा, फुकट रहता है, पैसा नहीं कमा सकता तू, भाड़ा नहीं देने का क्या? अम्मा अम्मा, मेरा विश्वास करो अम्मा, मैं तुम्हारा सारा पैसा देगा। अम्मा अम्मा, मेरे को यहाँ से मत निकालो। अम्मा अम्मा, मेरे को इधर ही रहने दो। अम्मा हम किधर नहीं जाएगा, अम्मा इधर ही रहेगा। ये ले अम्मा, अम्मा बोल के मेरा दिल कमजोर बना दिया। या सुनो तो सही, क्या कह रही है? सुनो बस्ती वालों, आपकी इस पुरानी टूटी फूटी बस्ती के रीडेवलपमेंट के लिए हमारे बॉस काली चरण ने आप सबकी तरफ से हाँ कर दी है। अब आप खर्रारे नोट गिनने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ कोई बस्ती खाली नहीं करेगा। अरे लोगों को फंसाना चाहते हो तुम लोग, पैसा देने वाले हो? ए, जास्ती बंकस करे जे नाई। चलने चलने, नहीं ए बुजुर्गों में हाथ उठाता है। अरे बाबा इनको संभालो, बूढ़ी औरत को मारा। मैं तेरी तो ये हाय काओ भाई। अरे ये चिकना बहुत मार रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, टेंशन नहीं लेने का। ए जल्दी आओ रे, जल्दी आओ। ए ए ए, तू इनको समझ। ए भांजा छूना नहीं। ते पशुपति नाथ,
अंदर ले लो, आपको लगी तो नहीं? चोट तो मामूली सी है, हाँ। लेकिन दर्द तो इस बात का है, हाँ। कि वो हमारी बस्ती हड़पने के लिए जो कमीने तड़प रहे हैं ना, उस पर हो रहा है मुझे। लेकिन आप पंगा क्यों ले रही थी उनसे? क्यों उनसे पंगा लेती हो मौशी? उन सबको तो देखो कैसे चुपचाप खड़े थे। ना बोली तो कैसे चलेगा, किसी को तो बोलना चाहिए ना। आपने बिल्कुल सही कहा है ना बार बाला जी। अरे बाला नहीं, शीला बोलो, शीला। ओके ओके ओके, मैं इस पे बैंडेड लगा देता हूँ। तुमने क्यों बेटा कष्ट उठाए? नहीं, इससे घाव जल्दी भर जाएगा। जरा सी तो खरोश थी। तू आजा, आजा मेरे बाजू में बैठ, बैठ, बैठ आजा बेटा, बैठ बैठ जा, बैठ बैठ। बहुत अच्छा बच्चा है। हाँ ये बात तो है, और वैसे इसको किसी का दुख देखा नहीं जाता, बिल्कुल मेरे पे गया है। वैसे तुम दोनों हो कौन? मतलब पिछले कई दिनों से मैं देखती हूँ, कहाँ से आए हो? वैसे हम नेपाल के छोटे गांव से आए हैं। नेपाल से? नेपाल से। हाँ मैं सनी और ये मेरे मामा है। हम एक दूसरे के लिए हैं, मतलब ये भांजा, हम मामा भांजे के अलावा हमारा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मेरा भी आगे पीछे कोई नहीं है। अरे लो, हम अनाथों का खानदान बच गया। है ना मौसी जी? अरे ये क्या, मामा भी मौसी बोल रहा है और भांजा भी? हाँ ये बात तो है, तो मैं क्या बोलूं? दीदी बोलो। अरे क्या बात है, लो हमें तो हमारी बड़ी बहन मिल गई। आशीर्वाद दो दीदी। मामा इसको हमने कहीं देखा है ना? किसको? इसको? अब बड़ी बड़ी बहन ने हमें देखा घूमते हुए, तुमने इसको मोहल्ले में देखा होगा। अब मोहल्ला है, लोग बैठते रहते घूमते रहते। तुम इधर आओ। अरे अरे इधर आओ, इधर आओ। जी बहन। वैसे तुम दोनों करते क्या हो? बड़ी बहन मैं तो नेपाल में पेट के लिए आलू चुराता। वैसे ये टॉप मनी एक्सचेंज कंपनी के सीईओ के सेक्रेटरी हैं। अच्छा अच्छा। और मैं बस काम ढूंढ रहा हूँ। काम की तलाश में हो? हाँ जी। अच्छा, तू कसरत खाने में काम करेगा? मुझे वैसे बहुत शौक है जिम का। बॉडी बॉडी डोले शोले दिखाओ बहन। ये डोले शोले मुझे मत दिखाना। एक मिनट है, मैं बात करती हूँ उससे, एक मिनट। हाँ हाँ, हेलो रॉकी, रॉकी ना? अरे रॉकी, तूने बोला था ना एक लड़के के लिए, मैं एक लड़का भेज रही हूँ, अच्छा खासा है, नौकरी देना उसको, नहीं तो देख तू। हाँ भेजती हूँ, कल आएगा वो तेरे पास। हाँ रखती हूँ, एक मिनट। हाँ ये ले उसका कार्ड, कल जाके मिलना। जी मौसी, निकलते हैं। बहन थैंक यू बहन, चलो बड़ी बहन बाय। अरे अरे इधर इधर, भूल गई। क्या भूल गई? जी क्या हुआ? वहां जाने के बाद अगर ये तेरे डोले शोले देख के कोई लड़की पट गई तो पहले आके मुझे बताना। चिंता मत करो मामा, आपको ही बताऊंगा। चलते हैं। चलो अपना तो काम बन गया। कितने आदमी थे? How many people? सर, दो आदमी थे।
वो दो और तुम लोग कितने थे? बस वो दो थे और तुम बहुत सारे, फिर भी पिट के आ गए सुअर के बच्चों। सन सब ज्वाइन सर, बिल्कुल शोले फिल्म के गब्बर की तरह बोलते हैं ना। हाँ, जब सर माँ के पेट के अंदर थे ना तो उनकी माँ ने 40 बार शोले फिल्म देखी थी, ये उसी का असर है। अबे गधे, शोले फिल्म में गब्बर ने तीनों को मार दिया था। टॉय टॉय टॉय। अरे ओ मिस लांबा। हाँ सर। जरा इन गधों को बता कि देव सेठ ने हमको कितना माल दिया है। सर पूरे इनकम टैक्स की रेट करवाएगी क्या हम पर? आई वाज सेइंग जस्ट लाइक दैट, मैं तो सिर्फ पूछ रहा था। सॉरी सर। अरे ओ मिस लांबा। हाँ सर। इन गधों को क्या सजा दी जाए सर? इन तीनों को 3 दिन के लिए आपके तीसरे मकान पर आपकी तीसरी बीवी के यहाँ घर पर काम के लिए भेज दीजिए। तीसरे बीवी के यहाँ? हाँ सर। वेरी गुड आइडिया सर। सर माने सर, क्यों क्यों हम वहाँ जाएंगे और भाभी जी से कहेगा कि हमसे वो टॉयलेट साफ न करवाए। मैं क्या बोलूँ? ये तू बोला सर, इतनी बदबू क्या वो तो तू बोला सर, इतनी बदबू आती है। अरे सर, उतनी बदबू तो रेलवे स्टेशन के टॉयलेट में से भी नहीं आती। मैं अपनी तीसरी बीवी की इतनी तारीफ नहीं सुन सकता। तुम लोगों को वहाँ जाना पड़ेगा। नहीं सर, नहीं सर। तुम लोगों की यही सजा है। नहीं, 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 नहीं। That's your punishment. And that final! ओ दीपू, ये साड़ी विच नवा मुंडा कौन है? नवा मुंडा नहीं है, जिम इंस्ट्रक्टर है, कल ही ज्वाइन किया है। लगता तो बड़ा स्मार्ट है। स्मार्ट भी है और स्ट्रिक्ट भी है। Push. अरे तुम? Oh my God. यहाँ? क्या सरप्राइज है यार? I can't believe this. तुमने मुझे पहचान लिया? पहचाना? अरे तुम्हें देखकर तो नेपाल में हुई एक-एक बात याद आ गई। पता है सनी, मुझे लगता था कि अब तुमसे कहीं कभी भी नहीं मिलूंगी, पर तुम आज यहाँ हो मुंबई में। हाँ। सनी, आकांक्षा को अटेंड करो। अच्छा, वर्कआउट की बात। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मुझे हैरानी तो इस बात की है कि हम मुंबई में फिर से मिले। बस हैरान ही, खुश नहीं हो? हाँ, खुश हूँ ना। तो इस खुशी को हम सेलिब्रेट करते हैं। कैसे? आज रात को मिलेंगे ना? आज रात को? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? अच्छा। I'll call you. Okay? Bye bye. Okay. Bye. Bye. ये मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सरप्राइज है, इसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और मैं इसे कभी भूलने भी नहीं दूंगी। यू नो भिखारी सेठ, मामा जी मुझे एक बात बताओ, तुम ये देसी पीने के बाद अंग्रेजी कैसे बोल लेते हो? हाउ? आई ड्रिंक थर्रा
एंड थिंक स्कॉच, यू नो बिलायती नशा चढ़ने लगता है, और जब मैं दारू पीता हूँ ना तब मेरे अंदर में बहुत ताकत आती है। आप बोलो ना, ये मेज है ना, एक एक मुक्का में इस मेज को अभी तोड़ सकता हूँ। अरे नहीं मामा, अरे तुम्हारे लिए ये तो बहुत छोटी सी बात है। यू स्पीक 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 मतलब बोलो बोलो, तुम बोलो। क्या बोलो? वो तुम्हारा काली चरण है ना, उसको एक मुक्का मार के उसकी नाक तोड़ के उसके हाथ में दे दूं। ये मेरा स्टाइल है, सच बोलता हूँ। अरे यू यू टेल मी, यू स्पीक। उसके दांत तोड़ के ना यहीं जमीन पे ही पे गाड़ दूं तो जीवन भर बाहर ना निकल पाए। चोरा लोग भी आ गए। सब ऑल माय गाइस, ए बेटा चलो मुझे टॉयलेट जाना है। चलो 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 चलो, आप यहीं पे रुकना, भिखारी सेट में अभी आ रहा हूं। ये इधर ही रुकना, लोग लोग काली चरण काली काली चरण जाएगी। संभालो। अरे बाबा क्या हुआ? अरे क्या हुआ? संभालो। अरे ठीक से बताओ क्या हुआ? अरे गुंडों ने मारा है बहुत बुरी तरीके से। पांच सालों ने बाथरूम में धुन दिया। तुम भी बाथरूम में घुस गए बहुत मारा। अरे जब मैं नहीं था तो भिड़े क्यों जाके? तू नेपाल फोन कर, मुखिया उखिया सबको बुला, 10-15 हजार नेपाली को बुला। ले जाओ, कहना मामा पे हमला हो गया। सनी सनी तुम जरा मौसी को बुला के लाओ। हाय हाय कैसा कंबख्तों ने मारा है। अरे कैसा कैसा मारा क्या बताएं, अब तो पिटने में भी मजा आ रहा है। बहुत कोमल हाथ हैं शीला जी आपके। कहाँ पर? इधर। आप तो बस हाथ फिराती रहो, पूरी पीठ जहाँ चोट मिल जाए ढूंढ लो। शीला जी, अच्छा ये क्या शीला जी, अभी तक तो आपके हाथ चिकने साबुन की तरह बदन पे चल रहे थे, अब तो ऐसा लगता है कि रोड रोलर डाल दिया हो बजरी मोरक दबाने के लिए। बड़ी बहन प्रणाम। ऐसे पकड़ा, ऐसे 3-4 ने उठाया, धुप से मारा बहुत मारा। तू नेपाल फोन कर, खुकरी के साथ आए सब लोग। पलटी हो जा। फैसला हूँ ना। अरे बड़ी बहन, देखिए कालीचरण जी, आप तो जानते हैं कि मेरे लिए ये प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंस रखता है। मैं समझता हूँ योर ऑनर, लेकिन आप तो अच्छी तरह से जानते हैं इस देश में जब से अन्ना हजारे का आंदोलन चला है तब से हजार की वैल्यू नहीं रह गई। आम आदमी कॉमन हो गया है, एकदम ऑनेस्ट। एकदम ऑनेस्ट। और आप तो अच्छी तरह जानते हैं आम आदमी को खरीदना कितना महंगा हो गया है। ऑनेस्टी डजंट कम चीप। सर अगर हम रेट बढ़ा दे तो? हाँ यही तो इंक्रीज द रेट अदरवाइज वेट। देखिए कालीचरण जी, मैं हर एक खोली का 75 लाख देने के लिए रेडी हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके चलेगा। चलेगा, अब सब कुछ हम पर छोड़ दीजिए। अब तो खोलियां खाली होंगी या खोली वाले खलास। वो तो ठीक है, मगर वो आपकी जो 5 दुकानें बीच में आती हैं, जब तक वो नहीं उठेंगी काम शुरू नहीं होगा, उनका कुछ कीजिए ना। उन 5 दुकानों की फिक्र मत कीजिए, जैसे ही काम आपका शुरू होगा पहला हथौड़ा दुकान पर मेरा ही चलेगा। बिलीव मी। आई बिलीव यू। जल्दी काम शुरू कीजिए। जल्दी होगा। एंड सॉरी फॉर माय गुड इंग्लिश। नो प्रॉब्लम। जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा सुनो, ये टावर 15 फ्लोर्स का है। यस मैम। इस पे क्या क्या करना है तुम समझ गई ना? यस अंडरस्टूड। यस मैम। ओके। अच्छा तुम और सिविल इंजीनियर। क्यों, कोई लड़की सिविल इंजीनियर नहीं हो सकती क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब इतनी खूबसूरत लड़की और सिविल इंजीनियर। ओहो हो हो, फ्लर्ट कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे क्यों बुलाया?
अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें मेरे डैडी से मिलवाने के लिए बुलाया है, चलो। अच्छा। सर, ये वो पूरा प्रोजेक्ट है। डैड, मैं इन्हें आपसे मिलवाने लाई हूँ, बैठो। हेलो। हेलो सर, बैठो। आपका नाम? जी सनी। हाँ सनी, प्रियंका ने कई बार जिक्र किया था आपका। डैडी, वो लोग आपके पास क्यों आए थे? वो बेटा, कुरार बस्ती का रीडेवलपमेंट का मामला है ना, इन लोगों के बगैर काम नहीं चलता। ओके। ऐसे कामों के लिए ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है। मैंने एक एक खोली का 75-75 लाख देने को कहा है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, तो कुरार बस्ती के रीडेवलपमेंट आप करवा रहे हैं? हमारी कंपनी कर रही है। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? जी कुछ नहीं, ऐसे ही पूछा। वो क्या होता है ना बेटा, बस्ती वाले छोटे लोग हैं और हम बड़े लोग हैं, बहुत अंतर है हम लोगों में। वो हमसे बात करते हुए घबराते हैं, इसीलिए इन गुंडों की जरूरत पड़ती है ताकि बीच की बात कर सके। इस बस्ती ने मेरा खाना पीना सोना हराम कर रखा है, नींद हराम कर रखी है इसलिए। अच्छा तो ये बताओ, तुम कहाँ रहते हो? जी मैं गोरेगांव में रहता हूँ अपने मामा के साथ। वो ये जिम ट्रेनर है, जिस जिम में मैं जाती हूँ उसी में। सर, वेरी गुड। फोन। एक्सक्यूज मी, कैसे लगे? हाँ जी, मैंने उनको कहा है कि बस्ती के लोगों को इकट्ठा करके प्यार से समझाएं, अगर वो मान जाएंगे प्यार से तो ठीक है, वरना आपको पता है मुझे बस्ती खाली करवानी है, कैसे करवानी है। ओके, मैं जरा बिजी हूँ, बाद में फोन करता हूँ। ओह सॉरी। अच्छा तो मैं निकलता हूँ। क्यों, कुछ चाय पानी ठंडा? नहीं कुछ नहीं, फिर कभी। और मुझे जिम में भी जाना है, तो नाइस मीटिंग यू सर। ओके 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 डैड, मैं इन्हें छोड़ के आती हूँ। ओके बेटा, ओके। इस लड़के के बारे में जो तूने खबर बताई थी वो पक्की है? एकदम पक्की है। मुझे ये बताओ, तुम सब बस्ती वाले यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? वो कालीचरण आ रहा है। मौसी, दीपक काली काट। आ गए। देखो भाइयों, हमारे बॉस कालीचरण ने आप लोगों के लिए, आपके हक के लिए उस बिल्डर से भी पंगा ले लिया है। वो बिल्डर बहुत ही टेढ़ा था, नहीं मान रहा था, पर अगर वो सांप है तो हमारे बॉस नेवले हैं। वो कुत्ता है तो हमारे बॉस भेड़िए हैं। वो बिल्डर है तो हमारे बॉस बॉडी बिल्डर है। आखिरकार वो मान गए, 50-50 लाख देने के लिए तैयार हो गए। तो सोचिए, हर एक खोली को मिलेगा
50 लाख। तो बजाइए तालियां। अरे बजा लो तालियां, बजाओ तालियां। कालीचरण सुन, आखिरी और पहली बार बता देती हूँ, ये बस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। हम यहाँ परिवार की तरह रहते हैं। फ्लैश सिस्टम में जाके हम एक दूसरे से अनजान बनना नहीं चाहते। हो गई तेरी रामायण, हो गई। चल निकाल, पतली गली से निकल जा तू। पहली बार देखा मैं तो नेपाल जाए, मुझे पता ही नहीं था इतनी खतरनाक मेरी बड़ी बहन है। ये नाच रहे हाँ हाँ, अब देख लेंगे मियाँ। हम लोगों ने मौसी के कहने पर कालीचरण को ना तो कह दिया है, मगर कालीचरण ऐसे मानने वाला नहीं है। हाँ। हाँ, उसके पास पैसा भी है और ताकत भी। उनके गुंडे हर बार आते जाते रहेंगे, उन लोगों का कोई भरोसा नहीं। कल हाँ। को हमारे बच्चों पर हमला कर दिया तो। अरे ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग, हम सब मिलके कालीचरण की काली करतूतों की ऐसी की तैसी कर देनी चाहिए। अरे मियाँ तुम तो रहने ही दो, जुमा जुमा 8 दिन हुए तुम लोगों को आए और हमें सिखा रहे हो। ये क्या बात हुई आपकी। अरे जाओ भाऊ जाओ, हम अपना भला बुरा खुद देख लेंगे। हाँ। अरे तुम तो ठहरे बाहर गाँव के, कल को मुसीबत आ गई तो पतली गली से निकल जाओगे। हाँ। हम कह रहे हैं। अच्छा, इतने दिनों साथ में रह रहे आपने हमें बाहर गाँव का बना दिया। बाहर वाला नहीं कहेंगे तो क्या घर वाला कहेंगे। तुमने उन लोगों के साथ झगड़ा किया, मारा मारी की, और तुम्हारी ही वजह से वो लोग नाराज हुए। हाँ। आप लोगों के लिए ही तो किया था ना हम लोगों ने। आमा, क्या हमने कहा था उस जहरीले नाक के साथ छेड़खानी करो। देखो मियाँ, इस बस्ती में रहना है तो हम लोग शरीफ हैं, उसी तरह शराफत से रहना पड़ेगा। अच्छा, इसको शराफत बोलते हैं। शरीफ लोग बोलते हैं कि 500 लोग हम एक मोहल्ले में रहते हैं, 3 लोग आके हमें धमका के चले जाते हैं और हमारी टाई टाई फिस करके चले जाते हैं, इसको शराफत बोलते हैं। तो तुम क्या दादागिरी करोगे, मारामारी करोगे। जाओ बाबा जाओ, माफ करो हमको, जाओ बैठ पकड़ता हूं तुम्हारे, जाओ यहां से निकलो। चलो बाबा जाओ। माफ कर दिया आप लोगों को, माफ कर दिया। चलो बाबा, ऐसा कोई बात करता है। हम लोग इतने दिनों से साथ में रह रहे हैं, उसके बाद भी तुम लोगों ने पराया कर दिया। चलते हैं। पागल है क्या? आगे वाजा मलाय, बहुत बुरा लगा हमें। चला चला निगा। मामा बस हो गया, अब यहाँ नहीं रहना, इतनी बेइज्जती सह के। देखो भांजे, ये मुंबई नगरी है, यहाँ जगह बहुत मुश्किल से मिलती है, और हमें तो ये डर लग रहा है कि अगर कहीं ये जगह छूटी तो फिर फुटपाथ पे ना सोना पड़े, ये सोच लो। फुटपाथ पे सोना पड़े तो सोएंगे। अच्छा? कहीं भी सोऊंगा ठीक, मगर यहाँ नहीं। ठीक 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 ठीक, जब ये फैसला है तो पैकिंग करो, मैं बड़ी बहन को बता दूं। जल्दी आना। बड़ी बहन, मैं आपको, बड़ी बहन, बड़ी बहन, सने सने सने। कालीचरण के लोग खोली तोड़वा रहे हैं। चलो देखते हैं। चलो
अरे आ गए आप लोग, देखो तो ये क्या हो रहा है। हाँ देख रहे हैं, तोड़ फोड़ मची हुई है, हम भी देख रहे हैं। कौन कर रहा है ये? अरे कालीचरण के आदमी के सिवा और कौन हो सकता है? हाँ? और उसे कोई रोकता भी नहीं है। अरे तो आप क्यों नहीं रोकते? हम कैसे रोकेंगे, हमारा थोड़ी काम है ये। ये सनी भाव, हाँ उसी तरह को अपना बेटा मानते हैं ना, तो जा रोकना। जा, जा, जा। हाँ मैं ही रोकता हूँ। कालीचरण, तू ये मौसी की खोली नहीं तोड़ सकता। वो तुलसी मौसी की खोली थी, अब हमारी हो गई है मेरे बच्चे। ऐसा कैसे तुम्हारी हो गई? ये तुलसी बाई की खोली थी, अब तुम्हारी हो गई। तुम्हारे बाप की है जो तुम्हारी हो गई। हाँ कागजात हैं हमारे पास। ए जरा इन लोगों को कागजात दिखाओ। हेलो हेलो हेलो, ये कागजात हैं। तुलसी बाई की वसीयत के हिसाब से उनकी आठों खोली का इकलौता मालिक कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनका मुंह बोला बेटा सनी है। चुप रहो। काले कोट वाले, तेरे पास अगर कागजात है तो दिखाओ मेरे को। कमी कालीचरण, ये सबूत है जो तुझे चाहिए। और ये जो काला कोट है ना सर, ये काला कोट नहीं, पूरा का पूरा कानून है। और शायद तुम्हें पता नहीं, कानून जो करता है एविडेंस के साथ करता है। देख लो देख लो, ये प्रूफ है। थैंक यू थैंक यू। मैं कानून का बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन तेरे को इसका भी इज्जत करना पड़ेगा। लगता है पागल हो गया। सनी भैया हम तुम्हारे साथ हैं। सनी भैया हम तुम्हारे साथ हैं। कालीचरण हाय हाय, कालीचरण हाय हाय, कालीचरण हाय हाय, कालीचरण। हमारे यहाँ नेपाल में ना कोई किसी का जमीन कब्जा नहीं करता है। कब्जा भी करे ना तो सीधा खुकरी लेके एक नहीं दस दस नेपाली मिलके दौड़ जाता है, पीछा 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 नहीं छोड़ता। यहाँ भी कोई कब्जा नहीं करता तो ये कब्जा क्यों कर रहा था? बस दो चार गुंडे। दो चार गुंडा तो होता है। ओ, कल जोश में आके वो नारे लगवा के उनको यहाँ से भगाया। वो गुंडे कल हम अगर उनको अकेला मिल गए तो पता नहीं घबराहट के मारे क्या क्या निकलेगा। वो कल फिर आएगा और फिर कोशिश करेगा। बाबा सही कह रहे हैं, वो लोग फिर से हमला कर सकते हैं और सनी पे खतरा हो सकता है। सनी पे खतरा होगा ना तो 5,000 नेपाली लोग फुकरी लेके उधर ही खड़ा होगा। मामा कुछ नहीं होगा। आप लोग जितना डरते हो ना कालीचरण से, वो उतना ही डराएगा आप लोग। वैसे मुझे लगता नहीं कि जिस तरीके से कल आप लोगों ने हिम्मत दिखाई वो वापस आए। वो कल रात वाला प्लान बताओ इनको। हाँ, कल रात अच्छा, वाला आप लोगों को इस झुपड़पट्टी के बदले बिल्डिंगें मिलेगी। हाँ। और कालीचरण जितना पैसा दे रहा था उससे ज्यादा पैसा मैं दिलवाऊंगा। अरे वाह क्या बात कर रहे हैं। हाँ? इधर 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 झोपड़ा सा मालिक है तो यार एक चांद चलते ठीक है।
हेलो। हाँ प्रियंका, मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। आइए आइए, आप ही का तो इंतजार है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और मुझे वो तुम्हारी जरूरी बात सुननी है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। कमिंग। देखते ही रहोगे या कुछ कहोगे? तुम्हें देखता हूँ तो सब भूल जाता हूँ। एक बात बताऊँ? हाँ। जब जुबा खामोश रहती है ना, तो उसकी आंखें सब कुछ कह जाती हैं। सनी, आओ बेटा, बैठो। बोलो सनी, कैसे आना हुआ? आपसे ही मिलने आया था, वो कुरार बस्ती के लिए। अगर मैं बस्ती वालों को 75-75 लाख रुपए में बस्ती खाली करने के लिए राजी कर दूं तो फिर 75 लाख इनाम तुम्हारा। लेकिन सनी, ये बस्ती वाले तुम्हारी बात क्यों मानेंगे? वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। अच्छा तो मैं चलता हूं अभी। ठीक है सनी। जी बाय द वे, तुम बस्ती वालों को कब से जानते हो? मैं खुद उसी बस्ती में रहता हूं। मुझे पता है। अच्छा, जिस दिन तुम मुझे पहली बार मिले थे, मुझे उसी दिन पता चल गया था कि तुम उसी बस्ती में रहते हो। वैसे प्रियंका को भी पता है। मैं निकलो भी। ओके। बार से अपना बड़ा पुराना नाता याद है? पहली बार जब याद आया पूरे नेपाल में हमारा इतना नाम है, जो कह दूं वो हो जाए। अरे वहाँ बच्चा बच्चा हमको प्यार करता है। मुखिया हमको बोले कि मामा भांजे से इतना परेशान हो गए, हमने अपनी एक्टिंग दिखाई, दोनों मामा भांजे को रातों रात वहाँ से रवाना कर दिया। अच्छा फिर किसने? हमने। अरे फिर क्या, हमारी एक्टिंग में हम ये जो बाबा बन गए, ये चिमटा हिलाया, घूम भड़ाम भड़ 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 भड़ाम, मामा भांजे जो थर थर कांपने लगे। फिर? अरे रात रात गांव छोड़ के बम्बई भाग गए दो के दोनों। अच्छा फिर? अरे फिर क्या, पूरे गांव वालों ने जो हमारी खातिरदारी किया है, मान सम्मान हुआ है, पूछो मान। अच्छा, अच्छा। देखो वो हम तो अरे बैठो। नहीं, उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। अच्छा, गलती नहीं थी? नहीं नहीं, हम तो एक्टर, हमको बोले तो कर दो, तो हमने, वो जो चिमटा था ना, वो हमारा नहीं था। चिमटा तेरा नहीं था? हाँ। अच्छा। वो दाढ़ी बाल सब कहीं का था? हमारा कुछ नहीं था, वही लोग हमको दिए थे। अच्छा, तो आप ही हमको वहाँ से बेवकूफ बना के भगाए। गलती हो गई। गलती हो गई? वो लोग तुमसे गलती बहुत अच्छी हो गई, तुमने यहाँ भेज के हमें बहुत अच्छा किया। अरे भाई, हम सचमुच के करोड़पति बन गए। करोड़पति? करोड़पति बन गए कड़के। सच्ची में पहली बार जिंदगी में हमारे मुंह से कुछ बोला हुआ बात एकदम सच्चा निकल गया। अरे कड़के करोड़पति बना दिए और क्या चाहिए। चलो सेलिब्रेट करते हैं। फिर तो पार्टी होनी चाहिए। चलो चलो चलो, आ जाओ। पैक पैक नहीं, पूरा बोतल मंगाए। लो लो भैया, अपना गिलास भी ले। चलो सब आ जाओ, वहीं रख के पार्टी शिफ्ट कर लो। और सुनो भैया, सुनीता, रेहाना, ज्योति, पिंकी, सुल्ताना, बुला लो, बुला लो, बबीना, सब यहाँ नाचेंगे। करोड़पति की टेबल है ये।
कौन है वो राम को? बीप सर, नाउ कैरी ऑन। कौन है जिसने हमारे कमीनेपन के जाल से उस कबूतर देव सेठ को उड़ा दिया? कौन है वो? हू 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 सर, हाँ ज्यादा हू हू मत कीजिए। कुत्ते वो लोग हैं, आप नहीं। बॉस हाँ? वही तो है उस देव सेठ की लड़की का दोस्त जिसने सारा काम बिगाड़ा है। और नहीं तो क्या बॉस, वरना हम एक एक खोली पे 25-25 लाख कमाते। मिस लांबा, वो देव सेठ की बेटी का दोस्त है या आस्तिक फ्रेंड या टू मच फ्रेंड? बॉस सॉरी, मुझे पता नहीं है। पता नहीं है मिस लांबा, जरा इन्हें बताओ कि सरकार ने कितने केस चलाए हैं हम पर? 50। सुना तुमने, पूरे 50, फुल 50। जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ से 50-50 झोपड़े तक। जब भी कोई आदमी नोट गिनता है तो उसका बाबा कहता है कि नोट छुपा ले, नहीं तो काली चरण आके छीन लेगा। He will snatch the note। सर हाँ? हमें थोड़ा टाइम दीजिए, उसकी तो तेरी तो। हेलो हेलो सनी बाबा, सनी बाबा आप जल्दी आ जाइए, साहब को हार्ट अटैक आया है। वो कल कालीचरण आया था जी। हाँ ठीक है, आप आ जाइए। ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा अटैक पड़ा? कल रात को कालीचरण घर पे आया था, बड़े बड़े गुस्से में था वो। लगता है डांट पर उसी का असर है। ऐसे क्या कह दिया उसने? क्योंकि तुमने बस्ती वालों को समझाकर खोलिया तो खाली करवा दी, बस इसी बात को लेकर वो चिढ़ गया है और बदला लेने के लिए वो अपनी खुद की 5 दुकानें भी खाली करने से इनकार कर रहा है। उसी बस्ती के जाने वाले रास्तों पर उसकी दुकान है और उसे हटाए बिना ये प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो सकता। अच्छा तो ये बात है सनी, मेरे डैडी बर्बाद हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा उन्हें, कुछ नहीं होगा उन्हें, वो कालीचरण कुछ नहीं कर पाएगा उनको। नो सनी, यू डोंट नो, डैडी ने ये झटका तो सह लिया, पता नहीं आगे क्या होगा। कालीचरण कहाँ है? कहाँ? पूछा कालीचरण कहाँ है?
मिस लामबाग, हाँ? आज तुमने अंगूर नहीं खिलाए। सर अंगूर 120 रुपए किलो थे। ओ, तो केले ले आती। सर केले कच्चे थे। तुम तो पक्की हो। क्या अटक ले, इतना हिल क्यों रहा है? उसने सबको लुढ़का दिया, अभी आपको लुढ़काने के लिए आ रहा है। कौन मेरे को लुढ़काने आ रहा है? बॉस लगता है सनी आ गया। सनी? सनी आ गया? मैं क्या बोलता हूँ टकला, अपने गैंग में सबसे मजबूत ये टकला था। जब ये लुढ़क सकता है तो हम लोगों की क्या औकात। यस सर, आई थिंक आई शुड मूव फ्रॉम हियर। आप लोग अपना अपना सेफ्टी देख लो। ए, मेरे को जरा जाने देना प्लीज। थैंक यू। अरे, तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? बॉस हमारी सैलरी। इन लोगों की सैलरी नहीं थी? आपने मेरी दी है। चल शंकर, ये क्या है? खुद पढ़ ले। ओ माय गॉड, ये तो इंग्लिश में है। मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? आई कांट रीड इंग्लिश। सारा वक्त तो इंग्लिश की माँ बहन करता है। चल पढ़। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता। आई कांट रीड इट, सॉरी। छोड़ तो क्या पड़ेगा, चल शंकर। बट व्हाई? तूने देव साहब को चीट किया ना, ये तेरे पांचों खोलिए खाली करेंगे कागज है। चल शंकर। मछली मगरमच्छ को बोल रही है कि तालाब खाली कर दो, तेरे जैसे मच्छर को मैं जो ऐसे चुटकी में कुचल देता हूं। मेरा नाम कालीचरण है, डॉन कालीचरण। इसका मतलब तू साइन नहीं करेगा? नहीं, मैं साइन नहीं करूंगा। हाँ। तुम लोगों को पगार चाहिए ना? यस बॉस। अटैक हिम। मेरे को मत मारना। साइन करेगा कि नहीं? चल शंकर। हाँ करता हूँ। साइन करता हूँ। पेन नहीं है? पेन मेरे पास है। ये लीजिए। चल शंकर। करता हूँ ना। हो गया। थैंक यू। वाओ। ये लीजिए सर, कालीचरण के पांचों दुकानों के कागजात। वेरी गुड सनी, मैं तेरा ये आसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे ऐसा कह के मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपके कुछ काम आ सका। देखो बेटा, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। जी कहिए ना। मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूं। अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने ऑलरेडी इतना कुछ दिया हुआ है। आप तो बस जल्दी से ठीक हो जाइए। कुछ दिनों की बात है बेटा, मैं तो ठीक हो ही जाऊंगा। तो मैं अभी चलूं? हाँ ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। चलता हूँ। बाय। बहुत अच्छा लड़का है, ईमानदार, वेल बिहेव्ड। डैडी मुझे मालूम है आप किस मुद्दे पे आना चाहते हैं। बेटी मुद्दे पे तो वो भी आ रहा था, कुछ कहते कहते रुक गया। आपको कैसे पता? बेटी दिल की यूनिवर्सिटी हमारे जमाने में भी खुली रहती थी। और आपने उसमें पीएचडी की है ना? हाँ। अच्छा आप रेस्ट कीजिए, मैं आती हूँ। प्रियंका। हाँ डैडी। एक बात कहूँ? तेरी चॉइस मुझे पसंद है। डैडी।
गर्मा चाय पी लो। भूकंप का केंद्र नेपाल का लामजुंग था, लिहाजा नेपाल पर सबसे ज्यादा कहर टूटा। काठमांडू शहर की तो मानो शक्ल ही बदल गई, जमीन से लेकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। मामा उठो, देखो नेपाल में भूकंप आया। तबाही की परछाई। अरे मामा देखो अपना गांव, बस हर तरफ दिखाई दे। अरे मामा, अरे मामा देखो अपना गांव। इस भूकंप ने तो हम सबको बर्बाद कर दिया, न खाने का कुछ है, सारा मकान मलबे का ढेर बन गया। मुखिया, मामा हमें चलना चाहिए उनकी मदद करने के लिए। हम यहाँ से क्या उनकी मदद कर सकते हैं? अरे सबसे पहले सरकार को पहुँचना चाहिए उनकी मदद करने के लिए। मामा जो मदद हम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। हम यहाँ से उनकी क्या मदद कर सकते हैं? मामा हमारे पास जो पैसा है, अगर ऐसी मुसीबत में इनके काम नहीं आया तो पैसा किस काम का? मतलब ये पूरा पैसा मदद के लिए वहां पहुंचा दें? अभी अभी तो हम करोड़पति बने हैं, ये पैसे वहां पहुंचा देंगे यानी फिर कड़के। बस मामा ऐसा मत कहो, और ऐसे वक्त पर भगवान पशुपतिनाथ की कसम मैं उनके लिए सब कुछ मिटा दूंगा और उनके हेल्प करूंगा। अब तो फिर हम भगवान पशुपतिनाथ से यहाँ से प्रार्थना भी तो कर सकते हैं, ये भी तो उनके लिए एक मदद है। मामा आप जा रहे हो कि नहीं? मैं तो जा रहा हूँ। बस मामा आप आ रहे हो कि नहीं? मैं तो जा रहा हूँ। तो आप जा रहे हो, मामा नहीं जा रहे? आप नहीं जा रहे? नहीं जा रहे हैं। मैं तो चला। चलिए देव साहब, ये आपका सनी सारा का सारा पैसा लेके नेपाल जा रहा है। क्या? उसको समझाओ, उसको रोको। ऑफिस जाना नहीं है क्या डैडी? हाँ जाना तो है। डैड आप इतने सीरियस क्यों हैं? किसका फोन था? सनी के मामा का। सनी के मामा का? क्या कह रहे थे वो? वो कह रहे थे कि सनी गांव जाने की जिद कर रहा है, वो भी इतने खराब हालात में। सनी क्या, वो गांव क्यों जाना चाहता है? वो अपने गांव वालों की मदद करना चाहता है। नॉनसेंस। इसमें नॉनसेंस वाली क्या बात है डैड? उसके पास जितने पैसे हैं ना, वो अपने गांव वालों पे खर्च कर देना चाहता है। बड़ी मुश्किल से तो पैसे आए हैं इन कड़कों के पास। डैड देखो बेटा, इमोशंस अपनी जगह है और इकोनॉमिक्स अपनी जगह। वो उसका पैसा है, वो जो करे, हमें उससे क्या लेना देना? वो उसका पैसा है, हमें उससे क्या लेना देना? ये बात तुम कह रही हो, सिर्फ तुम्हारी फिक्र तो कर रहा हूं मैं। डैड कुछ नहीं, मैंने उसके मामा को कह दिया है कि उसे पैसे बर्बाद करने से रोके। चलो भाई चलो, तुम चाहो तो उतर जाओ, मैं तो जा रहा हूं अपनों के पास नेपाल। चलो भाई चलो। तू क्या समझता था तेरा मामा तुझे अकेले जाने देगा? देखो बेटा। हाँ? बुरा नहीं मानना, अपनी तरफ से भी सनी को फोन कर देना कि इस तरह पैसा वेस्ट नहीं करें, ठीक है? चलो बेटा। कितने दिन नहीं, लगेंगे? ऐसी बात नहीं है, रात आएगी जरूर। रात नहीं आया तो भूखे मर जाएंगे। अरे गाड़ी आ गई, सरकार ने शायद राहत भेज दी है मुखिया जी। ए, चलो गाड़ी आ गई मुखिया जी। आओ सब लोग आओ,
नमस्ते 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 मुखिया जी, आप लोग कौन है भाई? मुखिया जी, लगता है आपने हम दोनों को पहचाना नहीं। क्या मुखिया बा, आप भी, आपकी आँख की रोशनी चली गई का? ये अपना सनी और दौलत राम है। अरे ऐसे लिबासों में मैं इनको कैसे पहचानूंगा? अरे ये अपना सनी और ये दौलत राम है। सनी और दौलत राम। सनी भैया, सनी भैया, आप लोग कहाँ चले गए थे? मुझे आप दोनों की बहुत याद आती थी। भैया इन बड़े बड़े ट्रकों में क्या है? इस ट्रक में तुम सब लोगों के लिए खाने और पीने का सामान है। आप लोग चिंता मत करो, हम लोग आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। तुम लोगों का दिल बहुत बड़ा है। हाँ। हमने तुम लोगों को क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं किया। हाँ। यहाँ तक कि तुम दोनों को गांव से भगा दिया। मुखिया जी, अगर आप लोग हमें गांव से ना भगाते ना, तो हम इस लायक भी नहीं रहते कि अपने गांव के लिए कुछ कर पाते। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम इस गांव के लिए कुछ कर रहे हैं। अरे मुखिया जी, ये धरती हमारी माँ है, और कोई बेटा जब अपनी धरती माँ की सेवा करता है तो कोई एहसान बहसान थोड़ी करता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मुखिया जी, आपके आशीर्वाद से हमारे पास 10 करोड़ रुपए हैं, और ये सारे पैसे हम इस गांव के पुनर्वास के लिए खर्च करना चाहते हैं। माफ कर दो, माफ कर दो बाबू, हमें माफ कर दो। अरे भाई, हमारे मन में कोई संकोच होता तो हम आते ही क्यों? हाँ, और हम आ गए हैं, आज से हम वही करेंगे जैसा पहले करते थे। कैसे तो? अरे उदास क्यों है पगले? हम आ गए ना, सब ठीक हो जाएगा। उसे पारो नजर नहीं आ रही है, कहाँ है वो? क्या आप सच में पारो से मिलना चाहते हैं? हाँ, कहाँ है वो? चलिए। क्या हुआ? यहीं पर है आपकी पारो। पारो और यहाँ? पारो, पारो, क्या हुआ पारो को? बोलो, क्या हुआ पारो को? वो ठीक तो है ना? पारो अब कभी नहीं आएगी सनी भैया, आप जितना भी बुलाओ वो नहीं आएगी, वो नहीं आएगी। आपको पता है वो आपको हमेशा याद करती थी। भूकंप में सब लोगों को बचाते बचाते बेचारी खुद ही धरती माँ के गोद में हमेशा के लिए समा गए। इतने दिन से बीमार है और तूने मुझे बताया नहीं? हा? मुझे पता ही नहीं था तू मुझसे इतना प्यार करता है। दोस्तों का प्यार प्यार नहीं होता है क्या? तू मेरी अच्छी दोस्त है, कहीं भी बुला लेना, आ जाऊंगा। तेरे मरने के बाद भी? मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, अब हम दोनों मिलकर इस गांव को फिर से बसाएंगे। सनी बाबू, गांव का उद्धार करके
आपके नजर में हीरो बन गए, अपना सारा संपत्ति गांव सेवा में लगा के फिर से आप कड़के बन गए। कौन कहता है ये कड़के हैं? गलत कह रहे हैं आप, ये पहले भी करोड़पति थे और आज भी करोड़पति हैं। डैड, जिसका दिल इतना बड़ा हो, जो अपनी मिट्टी से, अपने लोगों से और अपने देश से इतना प्रेम करता हो, उससे बड़ा अमीर और कौन हो सकता है? हाँ, बात तो बिल्कुल सच कही है आपने। मैं इस गांव का मुखिया। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। सनी, अब मैं चाहता हूं कि तुम्हें अपना दामाद बना लूं। अगर ये दोनों राजी हैं और आपकी भी मर्जी है तो समझ लीजिए, आपकी मर्जी में हम सबकी मर्जी है। क्यों गांव वालों? ये पूरा गलत हो। अब क्या हुआ सनी? क्या है? जब सब सारे लोगों ने ताली पीट दी है कि कड़के अब कड़के नहीं है, कड़के अब बड़के हैं, जब बड़के बड़के हैं तो बड़कों बड़का कौन? आप। तो फिर क्यों कहता है कि मामा क्यों भड़के? तू क्यों शादी कर रहा है? अरे अरे अपना हर जगह पे टांग अड़ाते हो, करने दो ना, आप भी हो जाएगी। अपना वादा मत भूल सनी, तूने वादा किया था कि पहले मामी आएगी बाद में शादी होगी तेरी। अरे ठहरो भाई, पहले सनी की शादी हो जाने दो, बाद में तुम्हारी सोचेंगे। तब पे ना बोलने उस मुखिया जी। ठहरो तो ठीक है मामा, पहले आप ही कर लो, हमें तो मालूम था कि आपकी आदत है टांग अड़ाने की। तो ये लीजिए आपकी रेडीमेड दुल्हनिया। चल भाग मुन्नो। अरे मामा कोई रेडीमेड क्या करूंगा, ओढ़ूंगा कि बिछाऊंगा। अरे मामा लच्चा ही हो, कनकेटी वो होगी तेरी मामी। क्या कहा? शीला की जवानी। मामा अब जो भी होगा शादी के बाद। सनी मलाई तिमी माथी गर्व छा। हेलो, ये कहां से आ गया? अब क्या हुआ? ये शादी नहीं हो सकती। शादी क्यों रोक रहे? अरे क्यों नहीं हो सकती, ये लोग अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, फिर आपको क्या एतराज है? एतराज वैतराज कुछ नहीं है, बस ये शादी आज नहीं हो सकती। आज नहीं तो फिर कब हो सकती है? ये शादी होगी 30 फरवरी को। हैं? 30 फरवरी को? इंस्पेक्टर साहब रहने भी दीजिए ना पुरानी बातें, वरना ये भांजा कुवारा रह जाएगा। अरे छोड़िए ना इंस्पेक्टर साहब, हमने इनको माफ कर दिया। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए ना प्लीज। ओके ठीक है, सब लोग बोल रहे हैं तो हम मान भी गए और हमने इन्हें माफ भी कर दिया। हेलो, अरे क्या हुआ? इसी बात पर एक सेल्फी हो जाए।